सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। बात कर रहे हैं एक उंदा नंबर वन, एक नंबर पोर्टफोलियो जो है कैसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आपके लिए। नाउ इस टॉपिक पे मैंने कुछ टाइम पहले NIT भोपाल में भी एक टॉक दिया था। वहां पे हमने बात की थी क्रिप्टो की, वहां पे हमने बात की थी स्टॉक्स की, इन जनरल पोर्टफोलियो एलोकेशन थ्योरी की। तो बात करते हैं उसी टॉपिक के बारे में। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। एंड एफिशिएंट मार्केट थ्योरी क्या है गाइस? एफिशिएंट मार्केट थ्योरी ये बोलती है कि मार्केट में जो भी प्राइसेस हैं स्टॉक्स के, उनमें सब तरह का इमोशन, सब तरह का लॉजिक, सब तरह की न्यूज जो है इज फैक्टर्ड इन। देयर आर नो चीप डील्स and there are no overpriced deals in the market, which me and you know are not true. हम human beings जो है logical decisions नहीं लेते हैं, हम decisions लेते हैं emotionally। उसके बाद हम बोलते हैं इस पर logic लगाया जाए। मैंने MacBook खरीदा, मैंने बोला हाँ MacBook खरीद लिया। अभी फिर मेरे दिमाग में उसको satisfy करने के लिए इस point को मैंने क्या किया, MacBook है, मैं travel करूँगा, easily carry हो जाएगा, videos बना पाऊँगा, ये कर पाऊँगा, वो कर पाऊँगा। फिर मैंने उसको logic दिया मेरे परचेस को, ताकि मुझे बुरा ना लगे मैंने इतना सारा पैसा खर्चा कर दिया। दैट इज हाउ मी एंड यू एंड एवरीवन एल्स ऑन दिस प्लैनेट मेक्स डिसीजंस अबाउट बाइंग, राइट? बट बिकॉज ये तरीका है परचेस डिसीजंस का, इट मींस स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है। थोड़ा सा गिरा, फट गई, पैनिक कर गए, बाहर निकाल लिया पैसा, और थोड़ा और डिप करने दो, फिर खरीदते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बॉटम पकड़ लेंगे। डर लग गया, नहीं मार्केट ऊपर जानी शुरू होगी तब करूंगा, मेरे को इतना लॉस नहीं चाहिए, राइट? उसकी वजह से अच्छे डील्स मिल सकते हैं या ओवर प्राइस डील्स मिल सकते हैं। तो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, अब वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, इन लोगों को देख लो। चार्ली मंगर तो बहुत मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का, उन प्रोफेसर्स का जो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी की बात करते हैं, विच इज ट्रू यार। ह्यूमन बींग्स इमोशनल बींग्स है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वन फैक्ट। मूविंग ऑन, बिकॉज ये पॉसिबल है, दैट मीन्स कि मार्केट में एंटर करने का, हम एंटर करने का बोल रहा हूँ, एंटर करने का एक अच्छा टाइम मिल सकता है हमको। मतलब अपन हो सकता है हमको साल भर वेट करना पड़े, जैसे वॉरेन बफे है, दो साल, तीन साल वेट करता है, फिर जब बड़ा क्रैश आता है या कोई कंपनी में कोई बड़ी गलत न्यूज आती है जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, बैम, उसमें फिर बड़ा पैसा लेके घुसते हैं। सेम थिंग वी कैन प्लान, बट वो प्लान कैसे किया जाए, तो उसमें आता है पोर्टफोलियो एलोकेशन। अभी पोर्टफोलियो एलोकेशन में देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट क्लासेस। अगर अब एसेट क्लासेस में रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड वाला बात आ जाता है, अपन कैश की भी बात करते हैं, कैश इज ट्रैश वाला वीडियो मैंने किया है, वो जरूर चेकआउट करो, कार्ड दे दूंगा मैं ऊपर। पर अगर हम बात करें यहाँ स्पेसिफिक एसेट क्लासेस की गाइस, तो देर इज स्टॉक्स, देर इज बॉन्ड्स, देर इज FD, अंगूर वालिकों को मत बताना, देर इज क्रिप्टो, देर इज रियल एस्टेट, देर इज गोल्ड, देर इज कैश, राइट? ये सारे एसेट क्लासेस का रिस्क कितना होता है, रिवॉर्ड कितना होता है, ये हमको समझना चाहिए। अभी रिस्क में क्या है, जीरो जा सकता है, नहीं जा सकता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, तो ऑल्ट कॉइन्स और माइक्रो ऑल्ट कॉइन्स की जो बात करें, वहां पे जीरो जाने का चांस होता है, राइट? स्टॉक्स रेयर बट चांस होता है जीरो जाने का, बट रेयर होता है। बॉन्ड्स not really, right? Bond holders also get paid first, अगर वो कंपनी भी bankrupt जा रही है तो, वो भी एक important चीज़ है। तो यहाँ हर चीज़ का एक risk है in terms of zero जाएगा नहीं जाएगा, दूसरा है उसका potential reward है, तो stocks में कितना percentage average है, right? Crypto में कितना percentage average है। दूसरा आता है volatility based risk, interim risk। तो volatility में है कि हमको पता है यार stocks जो है daily 10% के up down पे चल सकते हैं। तो अपन अगर स्टॉक्स में हैं, तो अगर एक दिन हम उठे सुबह और हमने देखा कि हमारा पोर्टफोलियो जो है 10% से डाउन है, हमारा दिल नहीं दुखना चाहिए, राइट? यूएस की मार्केट में इन्वेस्टेड हो तो 4-5% अप एंड डाउन इज वेरी 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 नॉर्मल। मूविंग ऑन, बॉन्ड्स नॉट सो मच, क्रिप्टो, बिटकॉइन की बात करें तो 10-20% अप एंड डाउन, इथीरियम की बात करें अप्रॉक्सीमेटली 20%, ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो मे बी 20% से लेके 40% डेली का अपडाउन हो सकता है बड़े ऑल्ट कॉइन्स में, मे बी 30% से लेके 70% का अपडाउन वॉलेटिलिटी हो सकती है डेली बेसिस पे माइक्रो ऑल्ट कॉइन्स में। डेली बेसिस बोल रहा हूँ, डेली अप जा सकता है, डाउन अप डाउन दोनों तरफ जा सकता है। ये वॉलेटिलिटी अगर मुझे पता है तो मैं मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करूंगा कि मैं कितना, मेरी पाचन शक्ति कैसी है, मैं कितना वॉलेटिलिटी सह सकता हूँ। Am I okay with my portfolio being 60% drawdown पे? If I am not, तो मैं stocks, bonds, इसको ज्यादा portfolio allocation दूंगा as opposed to micro altcoins in crypto का जो allocation है, मान लो वो 5% 1,00,000 रुपए, वो उतना वाला पार्ट 30,000 तक आ गया, बट मेरा पूरा पोर्टफोलियो तो बहुत बड़ा है, तो पूरे पोर्टफोलियो पे ज्यादा फर्क पड़ा नहीं,
राइट, समझ रहे हो? तो वहां पे मुझे रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बैलेंस हो जाता है एंड मेरी पाचन शक्ति के हिसाब से मैं मेरा पोर्टफोलियो रन कर सकता हूं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक एसेट क्लासेस गाइस, मेरा रिकमेंडेशन क्या है और दुनिया में क्या चलता है उसका भी मैं आपको बता देता हूं। तो दुनिया में एक बहुत ही कॉमन तरीका है, मेरी एज को 100 से माइनस कर दो, दैट इज द इक्विटी पोर्टफोलियो दैट आई शुड हैव। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी 29 का हूं करंटली, टू राउंड इट ऑफ आई विल टेक इट एज 30, 100 माइनस 30 इज 70, 70% ऑफ माय पोर्टफोलियो शुड बी इन equities and risky asset classes, 30% should be in bonds. That is kind of a usual thing. जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाती है ये बॉन्ड वाला जो पोर्टफोलियो एलोकेशन वाला पार्ट है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, बॉन्ड नॉट डेट, बट ये ऑप्टिमल है, ये बंदा तो बंदा अलग पड़ेगा। मतलब अगर आपकी इनकम अच्छी है एंड आपको कंसिस्टेंट इनकम आ रही है तो आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है 50-55 की एज पे भी, राइट? आप रिटायर होने के इमीडिएटली उस टाइम पे कर सकते हो अगर आपको रिटायरमेंट के एज तक अच्छी इनकम आपकी जनरेट हो रही है। इंपॉर्टेंट, अभी इक्विटीज को आप जो है डिवाइड कर सकते हो। अगर आप बहुत ही यंग हो, आई थिंक फॉर एग्जाम्पल मी, राइट, 30% बॉन्ड्स में होना चाहिए बट मेरा बॉन्ड्स में जीरो है राइट नाउ। द ओनली थिंग दैट आई हैव इन डेट इज माई इमरजेंसी फंड, वो भी मैं डेट नहीं है टेक्निकली, अगर वैसे देखा जाए तो लिक्विड फंड है, तो लिक्विड फंड में आई कीप दैट, बट दैट इज ऑल आई हैव, राइट? उसके अलावा 100% जो है इक्विटी एज वेल एज क्रिप्टो में है, क्योंकि मेरी इनकम स्ट्रीम बरकरार है, बिकॉज मेरी इनकम स्ट्रीम बरकरार है आई कैन अफोर्ड टू डू दिस। तो इक्विटी की अगर बात की जाए, यहाँ पे आप इक्विटी में अकॉर्डिंगली रख सकते हो। आप इक्विटी को आप कैसे डिवाइड करें, ठीक है? एफडीज रखने की जरूरत है मोस्टली नहीं, क्योंकि यू डोंट इवन एंड अप बीटिंग इन्फ्लेशन, बट इट्स योर कॉल कंप्लीटली, मेरे केस में नहीं है। इक्विटी को कैसे डिवाइड कर सकते हो? इक्विटी को आप आपके कंफर्ट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स ज्यादा समझ में आता है तो 70-80% स्टॉक्स में रख लो, 10-20% क्रिप्टो में रख लो। अगर आपको क्रिप्टो ज्यादा समझ में आता है तो 30% तक आप क्रिप्टो में पुश कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो का, आपके इक्विटी पोर्टफोलियो का 30%, तो 70% का 30%, या अगर इन माय केस बिकॉज ऑल इज इक्विटी इन दैट एसेंस, तो मेरा 30% मैं क्रिप्टो में पुश करूंगा और बाकी का जो है, तो राइट नाउ अगर मेरा करंट एलोकेशन बताऊं तो मैं 50-50 चल रहा हूं, ठीक है? बट अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली क्रिप्टो की, तो आई विल कीप 30% इन क्रिप्टो, 70% इन स्टॉक्स। 30 का 40 भी कर सकते हो अगर आप क्रिप्टो के फील्ड में काम करते हो, जैसे मेरी तरह। अगर आपका जॉब ही ब्लॉकचेन में है तो यू कैन अफोर्ड टू डू दैट, आई नो द इंडस्ट्री इन एंड आउट, दैट्स व्हाई मैं 50-50 पे चल रहा हूं, तो वो आप कॉल ले सकते हो। स्टॉक्स की अगर बात की जाए गाइस, स्टॉक्स में अभी लार्ज कैप करना है, मिड कैप करना है, स्मॉल कैप करना है, दैट इज ऑन यू। सबका अपना अपना रिस्क रिवॉर्ड आएगा, वो आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। क्रिप्टो में जो आता है तरीका लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का, वो बहुत सिंपल एक तरीका लिया जाता है, विच इज़ 50-25-25। तो आपका जो, मान लो आप क्रिप्टो में 1,00,000 रुपये लगाना चाहते हो एज एन एग्जांपल, तो आप आपके 1,00,000 रुपये का 50,000 जो है बिटकॉइन में लगाओगे, 25,000 रुपये जो है इथीरियम में लगाओगे, और बचा वो 25,000 ऑल्ट कॉइन्स में लगाओगे, दैट इज द यूजुअल केस। एंड आप SIP करके एंटर करते हो हमेशा क्रिप्टो में, एंड आई थिंक स्टॉक्स में भी SIP करके एंटर कर सकते हो, बट अगर बहुत बड़ा डंप आया है तो स्टॉक्स में थोड़ा कॉन्फिडेंटली एंटर किया जा सकता है एज कम्पेयर टू क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो में जो है थोड़ा ज्यादा वॉलिटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ डंप्स वगैरह, तो अपने को गारंटी से कभी पता नहीं होता कि इज दिस डंप द लास्ट डंप, स्टॉक में भी नहीं पता होता, बट स्टिल क्रिप्टो इज अ बिट मोर अनप्रेडिक्टेबल राइट नाउ। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कंसिडर करना पड़ेगा, 50-25-25 इज वॉट इज टेकन एज। स्टॉक्स में भी अगर आप इसको डिवाइड करना चाहो तो यू कैन डू 50-25-25, 50% इन लार्ज कैप्स, 25% इन मिड कैप्स, 25% इन स्मॉल कैप्स। व्हाट दिस विल डू इज 25% जो स्मॉल कैप्स में वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, बट आपको एक प्रॉफिट मार्जिन अच्छा दे सकता है आपको। लार्ज कैप्स कैसे, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स। क्या है कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स? अगेन इफ यू वांट टू नो दिस, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग है सौरभ मुखर्जी की बुक, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन द इंडियन लैंडस्केप। अगर स्टॉक इन्वेस्टिंग में आप आना चाहते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा आपके लिए, वो जरूर आप चेकआउट करना, काफी अच्छी बुक है। वो बुक से आपको समझ में आएगा कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स का क्या मतलब है, जो आपको साल का 20% दे सकते हैं, जो 10 ईयर्स में 10x, बात खत्म। 10 साल में 10x कितना हुआ, 1,00,000 का 10,00,000 हो गया 10x, राइट? 20 साल में कितना हुआ, 10x का 10x, 1 crore, 20 साल में 100, बात खत्म, राइट? लोग बोलते हैं यार 10 साल में 10x ही हुआ सिर्फ, क्या करूंगा मैं, बट व्हाट दे डोंट सी इन ऑल ऑफ दिस बाय द वे इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो 10x का 10x भी होगा ना अगले 10 साल में, समझ रहे हो? इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम अ गुड हाई अमाउंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं इनकम की भी बात करता हूँ इस चैनल पे, इसलिए इनकम, हाई इनकम स्किल्स की भी बात की है, वो भी एक वीडियो है, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, वो भी आपको कार्ड्स में मिल जाएगा, राइट? कितने सारे वीडियोज प्लग हो गए आज तो, इतनी खुशी। तो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो एलोकेशन, या आप अपना सोच विचार जो है
स्टार्ट कर सकते हो। आई नो अगर आप नए हो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपके लिए ये हो सकता है, बट यही वीडियो को दो तीन बार देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज आपको इसमें से समझ में आएगा कि क्या कैसे कैसे करना है, कैसे बिल्ड करना है, किस तरह का अपना रिस्क मिटिगेशन फैक्टर्स रखने हैं, एंड यू विल डू जस्ट फाइन। बाकी आपके क्वेश्चंस जो हैं आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं। एज ऑलवेज होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता है, लाइक बटन पे जो स्क्रीन तोड़ देनी है और सब्सक्राइब जरूर करना है गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।